बघेरा स्थित आनंद सरोवर के सभागार में महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी की संचालिका ने आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में निराकार परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण दिवस की यादगार मूर्ति शिव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें दुर्ग के शहरी क्षेत्रों के सेवा केंद्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करने वाले व राजयोग के द्वारा अपना जीवन दिव्य बनाने वाले अनेक भाई बहने उपस्थित रहे। इस अवसर पर बघेरा एसटीएफ के डीएसपी भ्राता केसरी नंदन नायक, बहन कुमारी बाई साहू अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हुए ब्रह्म कुमारी दुर्ग की संचालिका ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने बताया कि सर्व देवों में महादेव परमात्मा शिव को ही कहा जाता है। इसका अर्थ है देवों के रचयिता, महादेव ही शिव है। शिवरात्रि निराकार परमात्मा के अवतरण दिवस या कहें जन्म दिवस की ही यादगार है। जब किसी का जन्म होता है तो जन्मदिन मनाया जाता है, ना कि जन्म रात्रि। केवल शिव का ही जन्म दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि में शिव के ऊपर अख धतूरा तीन बेलपत्र इत्यादि अर्पित किया जाता है। इसका रहस्य स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने साकार मनुष्य तन का आधार ले बताया है। इसका अर्थ है, हे मनुष्य आत्माएं, आप सभी में जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी नकारात्मक वृत्तियां, उसे मुझे अर्पित कर दो तो आपके जीवन को पवित्रता सुख शांति व खुशियों से भर दूंगा। ये महाशिवरात्रि का पर्व पूरे माह भर भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों में अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और कलियुग की राह पांच विकारों की अंधियारी रात्रि को खत्म करने और नई सत्युग की दिन को शुरू करने की यादगार ये महाशिवरात्रि पर्व है, क्योंकि और किसी पर्व में हम रात्रि नहीं कहते, शिव रात्रि कहते, राम रात्रि नहीं कहते, हनुमान रात्रि नहीं कहते, शिव ही रात्रि कहते हैं। तो रात्रि माना ये रात का 12 बजे का टाइम नहीं, रात्रि यानी कलियुग की घोर विकारों की राह। तो अब बाबा नया दिन उदय करने के लिए आए, और जो जागरण करते हैं भक्त लोग रात भर, उसका भी रहस्य यही है कि हमको अपने जीवन में सदा काल के लिए अज्ञान की नींद से जागना है, न कि एक दिन का जागरण करना है। लाइफ टाइम के लिए ही हमको बुराइयों से अज्ञानता से जागरण करना, तो इसकी। और मैं आप सभी को हर धर्म के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी बहन हमारे एसटीएफ परिसर में आती है, काफी उपलक्ष पर वो दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार रहता है। हमारे सभी जवान जो अपने घर से बाहर के रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, हमारी बहन हमारे यहाँ आकर काफी हमें मानती है, हमें स्थान देती है, तो वो चीज हमारे सभी जवानों के लिए बहुत ही यादगार रहता है। और उसी ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।